नमक पारे की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही ईजी, जो बहुत ही खस्ता मिलता है। अब इस दिवाली से जरूर ट्राई कीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसलिए मैंने एक परात लिया है, एक चलनी लूंगी मैं, जिसमें मैं 2 कप मैदा ऐड कर रही हूँ, जिसे हमें सीव कर लेना है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा बनता है, ये एकदम खस्ता बनता है, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए इस दिवाली में। देखिए मैंने मैदा सीव कर लिया है। दो कप मैदे के लिए मैंने 240 ml ऑयल लिया है। वन टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1/4 टीस्पून मंगरेल नेगेला सीड्स, ऑप्शनल आपको डालना डाल सकते हैं, सॉल्ट टू टेस्ट। ये सब मिक्स करेंगे पहले। मोइन तेल का मोइन अच्छा देंगे तो अच्छा बनता है, एकदम खस्ता बनता है, देख सकते हैं आप। ये देखिए अच्छे से ये हो गया है, ये देखिए बंद गया है। अब हम इसमें चिल्ड वाटर यूज करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छे और खस्ते बनेंगे हमारे नमक पारे। मुझे इसमें 1/2 कप पानी लगा है, मैंने इसे रफली ही बाइंड किया है, इसे हमें एकदम नहीं मसलना है। अब देख सकते हैं, ये देखिए मैंने रफली इसे बाइंड किया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए इसको ढक के रेस्ट करने दूंगी। इसे मैं गीले कपड़े से ढक दूंगी, इसे गीले कपड़े से ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट करने इसे दूंगी। देखिए आधे घंटे हो गए हैं, आधे घंटे रेस्ट के बाद ये आटा देखिए, हम इसे फिर से थोड़ा डो को स्मूथ करेंगे। देखिए मैंने इसे स्मूथ कर दिया है। अब हम इसे एक पोर्शन लेंगे, इसमें से हम इसे बेलेंगे। इसे बेल लूंगी, न ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला। इसी तरह से मैंने इसे बेल के मैंने इसे साइड के एजेस को लेवल अप कर दिया है। अब हम एक ढक्कन लेंगे, हम इसे काजू का शेप देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं, कोई भी होगा, कोई भी मेडिसिन का ढक्कन होगा, देखिए एक बहुत अच्छा शेप भी मिल जाता है और बच्चे लोग इसे इस तरह से खाना पसंद भी करते हैं। इसी तरह से हम सारे इसी को कट कर लेंगे। आप चाहे जो शेप चाहे देना दे सकते हैं, पर एक बार इस तरह से बना के देखिए, बहुत अच्छा बनता है, बहुत बच्चे लोग बहुत शौक से खाते हैं। ये मैंने सारे कट कर लिए हैं काजू के शेप में, आप देख सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है। तेल मैंने गरम कर चुकी हूँ, फ्लेम हमें मीडियम रखना है। अब मैं इसमें अपने काजू पारे डालूंगी,
ये फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर, देखिए। अब मैं इसे निकाल देती हूँ, हम सेकंड बैच इसे फ्राई करेंगे। हमारे नमक पारे फ्राई हो गए, अब मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी है ये, देखिए आप देख सकते हैं। अब इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए मैं इसको एक बोल में ट्रांसफर करूंगी। ये ऑप्शनल है, ये मैगी मसाला है, ये चाट मसाला है, दोनों को मैं इस पे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, जिससे नमक पारे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, इससे टेस्ट बहुत अमेजिंग आएगा। देखिए आवाज तो आ रही है आपको, देखिए एकदम टेस्टी बना है। देखिए हमारे नमक पारे बनके रेडी हो गए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही खस्ता बहुत ही इजी रेसिपी है। फिर मिलते हैं अमेजिंग सी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।